रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन पर जिले में एक बार फिर आईपीएल सट्टेबाजों पर कड़ी कार्यवाही की गई। एसपी संतोष सिंह की टीम द्वारा लगभग इन डेढ़ साल में सभी बड़े मामलों का शीर्ष पटाक्षेप करने में सफल रही है। एसपी रायगढ़ की टीम द्वारा आईपीएल सट्टे की सूचनाओं पर भी कई कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में खरसिया क्षेत्र में भी आईपीएल सट्टेबाजों पर बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस को कुछ दिनों से सट्टेबाजी की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसडीओपी खरसिया द्वारा सुनियोजित तरीके से आईपीएल सट्टेबाजी पर कार्यवाही के लिए पुलिस चौकी खरसिया और थाना खरसिया स्टाफ की 6 टीमें बनाई गई। इन टीमों द्वारा एक के बाद एक 6 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें पुष्कर शर्मा प्रशिक्षु आईपीएस के नेतृत्व में 3 स्थानों में दोपहर के आईपीएल मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच पर सट्टा खिलाते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 1 एलईडी टीवी और करीब 45 लाख रुपए का सट्टा डिटेल जब्त किया गया है। वर्तमान में खरसिया क्षेत्र में आईपीएल सीजन के दौरान पुलिस को लगातार जो है सूचना प्राप्त हो रही है कि आईपीएल मैच के दौरान अनेक लोगों के द्वारा जो सट्टा खेला जा रहा है, जिस पर पुलिस के द्वारा मुखबिर लगाया गया था। आज जो है कुल जो है 6 ठिकानों पर खरसिया पुलिस द्वारा प्रशिक्षु आईपीएल पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में रेड कार्रवाई किया गया, जिसमें से 3 लोगों को सट्टा खिलाते हुए पाए जाने पर उनको पकड़ कर लाया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल नकदी 93,250 रुपये, कैश इनसे जो है जब्त हुआ है, 1 सोनी का टीवी जब्त हुआ है और इनसे मोबाइल जो है कुल 3 नग जब्त हुआ है और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुए हैं प्राप्त हुए हैं, जिनका जो है परीक्षण किया जा रहा है। इनमें जो सट्टा खाई वाले जो पकड़ा है, इसमें एक है आलोक अग्रवाल निवासी महापाली रोड खरसिया, दूसरे हैं सतीश गोयल निवासी गोविंद कॉलोनी खरसिया और है अजय कुमार अग्रवाल, ये है निवासी डबरा रोड खरसिया। मनीष सिंह की रिपोर्ट।